Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is your girl Ritika and Republic Day आ रहा है. मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बनाए पेट्रियाटिक सॉन्ग में, तेरी मिट्टी, ए वतन, संदेशे आते हैं. अब मैंने सोचा नेक्स्ट क्या बनाऊँ जो बहुत अच्छा पेट्रियाटिक सॉन्ग है, एंड वॉट्स बेटर देन दिस. टाइटल में आप लोगों को दिख गया होगा, माँ तुझे सलाम. ए आर रहमान सर का बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा कॉम्पोजिशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेट्रियोटिक सॉन्ग है, बहुत ही फील वाला सॉन्ग है, बहुत इजी ट्यूटोरियल होने वाला है. सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बिफोर द कॉर्ड्स, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, साइड में कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है. ओके, सो थंबनेल देख के आप लोग एज यूजुअल पता चल गया होगा, हम लोग सिर्फ तीन इजी कॉर्ड्स यूज करने वाले हैं, एकदम बिगनर्स फ्रेंडली. दैट इज डी, जी एंड ए. तीनों मेजर कॉर्ड्स, टी मेजर, जी मेजर, ए मेजर कॉर्ड्स बताने से पहले मेक श्योर आप लोग का यूकेलेले ट्यून होना चाहिए. इट्स जी सी ई ए. ओके, सबसे फर्स्ट कॉर्ड दैट इज डी मेजर. फॉर डी मेजर इंडेक्स फिंगर सेकंड फ्रेट के टॉप स्ट्रिंग पे रखेंगे, मिडिल फिंगर उसी के नीचे मतलब सेकंड फ्रेट के नीचे से थर्ड स्ट्रिंग पे, एंड रिंग फिंगर उसी के नीचे मतलब सेकंड फ्रेट के नीचे से सेकंड स्ट्रिंग पे. सो टॉप थ्री स्ट्रिंग्स ऑफ सेकंड फ्रेट, दिस इज डी मेजर. अब द नेक्स्ट वन इज जी मेजर. फॉर जी मेजर हमारा इंडेक्स फिंगर आएगा सेकंड फ्रेट के नीचे से थर्ड स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर आएगा सेम सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, एंड रिंग फिंगर आएगा थर्ड फ्रेट के नीचे से सेकंड स्ट्रिंग पे. दैट्स इट, दिस इज जी मेजर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ए मेजर. फॉर ए मेजर हमारा मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट के टॉप स्ट्रिंग पे रखेंगे, एंड इंडेक्स फिंगर ऑन द फर्स्ट फ्रेट नीचे से 1 2 3rd थर्ड स्ट्रिंग पे, दिस इज ए मेजर. सो हम लोग के तीन कॉर्ड्स हो गए, दैट इज डी, जी एंड ए. जिनको डी जी ए हार्ड लग रहा है, जो ज्यादा बिगनर है, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया, वो लोग सी एफ जी भी यूज करते हैं. डी के जगह सी, जी के जगह एफ, एंड ए के जगह जी. ओके, अब हम लोग प्रोसीड करते फटाफट स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ. As usual, I have prepared 3 strumming patterns for you all. एक beginners, एक intermediate, एक advanced. सबसे पहला, सबसे छोटा beginners बता देती हूँ, जो easy and बहुत अच्छा sound करेगा. That is check down down. Okay, check down down. अगर मैं mute करके बताऊँ, for the beginners, check is this. ऐसे या ऐसे, whatever जो आप लोगों को comfortable लगे. So check, then down down. Check, then down down. Check, down down. Check, down down. Check, down down. अगर मैं डी लगा के, हम लोग का बेस कॉर्ड डी है, सो डी लगा के करूँ, सो चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन. मैं ये कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड प्ले अलोंग में यूज नहीं करूंगी. सो अगर मैं दो लाइन के साथ थोड़ा सा गा के बताऊँ, गुनगुना के बताऊँ कि कैसे ये वाला हम लोग यूज करेंगे ये स्ट्रमिंग पैटर्न. सो यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं. अभी फास्ट नहीं है, सो हम लोग का फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया. सेकंड वन इज जो सबको आता है, दैट इज द आइलैंड स्ट्रमिंग पैटर्न. डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, द पार्ट्स में डिवाइडेड. अगर मैं म्यूट करके बताऊं, सो डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप. डी लगा के वाला मैं वापस यूज नहीं करूंगी कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड पी अलोंग में. दो लाइंस अगर गाओ तो यहां वहां सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है. डाउन डाउन अप, डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप. इजी, हम लोग का सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया, ये भी बहुत अच्छा साउंड करेगा. एंड थर्ड वन इज जो मैं पी अलोंग एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन में यूज करने वाली हूं, जो एडवांस वाला है. एडवांस उनके इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है. दैट इज डाउन अप चक डाउन देन अप चक. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले डाउन अप चक डाउन देन अप चक. मैं म्यूट करके अगर बताऊं, सो डाउन अप चक डाउन देन पॉज देन अप चक, डाउन अप चक डाउन अप चक, डाउन अप चक डाउन अप चक, एंड डाउन अप चक डी लगा के प्ले कर रही हूँ. एटलीस्ट 5-6 टाइम्स आप लोग मेरे साथ प्ले कर सकते हो. डाउन अप चक डाउन अप चक, डाउन अप चक डाउन अप चक, डाउन अप चक डाउन अप चक, डाउन अप चक डाउन अप चक.
सो ये हम लोग के तीन इजी स्ट्रमिंग पैटर्न्स हो गए, बिगनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस. आप लोग को जो भी इजी लगे प्ले करने में एंड गाने में, दोनों साथ में आप लोग वो यूज कर सकते हैं. सो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन के साइड. एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें तीन स्टैंजाज हैं. स्टार्टिंग का भी कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम है, फर्स्ट स्टैंजा का भी सेम है, सेकंड स्टैंजा के भी सेम है, सब सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन है. तो एक ही कॉर्ड प्रोग्रेशन है, हम लोग वही सारे स्टैंजास में रिपीट करेंगे. सो द कॉर्ड प्रोग्रेशन इज D G A, ये ट्वाइस. अब मैं एक पर्टिकुलर बता देती हूँ एज अ स्ट्रमिंग पैटर्न. D में स्ट्रमिंग पैटर्न दो बार बजेगा. मैं ले रही हूँ डाउन अपचक डाउन अपचक, सो एक और बार डाउन अपचक डाउन अपचक. सो ऐसे करके D में दो बार आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. G में एक बार एंड A में एक बार, वापस यही चीज रिपीट होती है. सो D में वापस दो बार, G में एक बार, A में एक बार. उसके बाद आता है वापस डी जी ए. अब इसमें D 5 टाइम्स, देन G 2 टाइम्स एंड देन A 4 टाइम्स स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से. उसके नेक्स्ट लाइन में D G, इसमें दोनों एक एक बार ही बजेगा 3 टाइम्स एंड देन लास्ट में एक बार D आता है, वो डाउन स्ट्रम करना है, दैट्स इट. देन आता है D A, ये ट्वाइस आता है, तो D भी दो बार बजेगा, डाउन अपचक डाउन अपचक डाउन अपचक डाउन अपचक एंड देन ए भी वही बजेगा दो बार. सो डी दो बार, ए दो बार, वापस डी दो बार, ए दो बार एंड द लास्ट वन इज डी जी ए डी ट्वाइस. सब में एक एक बार स्ट्रमिंग पैटर्न, डी पे एक बार, जी पे एक बार, ए पे एक बार एंड देन डी पे एक बार. सारे वर्स में सेम है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से ज्यादा अच्छे से याद रहता है. हम लोग लिरिक्स के साथ भी करेंगे, आप लोग वो भी नोट डाउन कर सकते हैं. फाइन, वी आर स्टार्टिंग विद डी. एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जिन लोगों को ओरिजिनल स्केल से गाना है, जिसमें AR रहमान सर ने ओरिजिनली बनाया, अगर आप लोग को ओरिजिनल ट्रैक के साथ या किसी चीज के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो फर्स्ट फ्रेट पे आप लोग कैपो लगा सकते हैं एंड देन डी जी ऐसे करें तो वो ओरिजिनल स्केल हो जाएगा. मैं विदाउट कैपो कर रही हूँ, डी जी और ए से स्टार्ट कर रही हूँ. पहली लाइन हम लोग करते हैं डी जी ए से, डी से स्टार्ट करती हूँ. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी जी पे है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं इस एट, कोई नहीं है असी नहीं, वापस डी जी ए होता है. असी नहीं सो नहीं दुनिया घुमा है, देन जी, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, वापस ए, कोई नहीं. अब मैं गया जहां भी, इसमें मैंने देखा डी 5 टाइम्स, सो मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी. 5 टाइम्स हो गया डी. अब जी आएगा दो बार, मुझको तड़पाती रुलाती, देन सबसे प्यारी, ये पूरा ए पे आएगा यहां से. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा, प्यारी माँ, माँ तुझे सलाम. इसका बताया था डी एंड जी एक एक बार, बट 3 टाइम्स, मतलब माँ तुझे से हम लोग स्ट्रमिंग स्टार्ट करेंगे. माँ सिर्फ बोलेंगे माँ तुझे सलाम जी, माँ तुझे सलाम जी, माँ तुझे सलाम, हो माँ तुझे सलाम. डी जी एंड देन लास्ट में डी. अब आता है वंदे मातरम. वंदे मातरम का बताया डी एंड ए, डी एंड ए, ये दो बार, और दोनों कॉर्ड में दो दो बार स्ट्रमिंग पैटर्न होगा. मतलब वंदे मातरम, मातरम पे मातरम ए मेजर, वापस वंदे मातरम. अब जो डी जी ए डी है एक एक बार, उसमें आएगा वंदे माते जी पे रम ए पे, वंदे माते रम डी, वापस वंदे माते रम, वंदे माते रम. और जो लास्ट में अगर आप लोग जब एंड करोगे सॉन्ग को, या अभी अगर करना चाहते हो वंदे माते रम,
तो उसमें आप लोग सिंगल डाउन डी पे ही बजा सकते हो क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है वो वाला पार्ट। या अगर वही स्ट्रमिंग पैटर्न सॉफ्ट कर दो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। डन। इसके बाद आता है वर्ड्स जन्म जन्म तेरा हूँ दीवाना मैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन यही सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। जितनी बार बताया जो कॉर्ड जितनी बार स्ट्रमिंग पैटर्न पे प्ले हो रहा है उतनी बार ही प्ले होगा। तो ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ, सेम मैं प्ले अलॉन्ग में ये वाला पार्ट एंड द वर्स साथ में गाऊंगी, कॉर्ड्स चलते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ जैम कर सकते हो। सो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं प्ले अलॉन्ग के साइड। एंड एज वी ऑलवेज डिड हम लोग जिस भी कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं वी आर स्टार्टिंग विद डी। सो वो स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोग जो भी ले रहे हैं, आप लोग जो भी स्ट्रमिंग पैटर्न लोगे, मैं ले रही हूँ डाउन अप चक डाउन अप चक। सो वो हम लोग दो बार या चार बार प्ले करेंगे, देन हम लोग सॉन्ग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो अहेड। सो ज़्यादा प्यारा पेट्रियोटिक सॉन्ग तीन कॉर्ड्स के साथ आप लोग बहुत ही इजीली गा सकते हो। प्लीज़ आप लोग कवर बनाओ इसको देख के, 26 जनवरी आ रही है, कवर बनाओ, मुझे टैग करो इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पर भी, मुझे देखकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, शेयर उन लोग के साथ करो जिनको लग रहा है हाँ इन लोग को ये तीन कॉर्ड्स तो एटलीस्ट आते हैं, इनके साथ शेयर करते हैं, ये भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे, कवर बनाएंगे यूट्यूब इंस्टाग्राम किसी के लिए भी।
एंड कमेंट्स में डू लेट मी नो आप लोग नेक्स्ट क्या ट्यूटोरियल चाहते हो, किस सॉन्ग का ट्यूटोरियल चाहती हो। मैं पक्का बनाऊंगी, बस प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो एडिट एंड ऑल करने में। एंड यूकेलेले क्लासेस की डिटेल स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो वापस हम लोग को जल्दी मिलना होगा किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।